हाय गाइस, आज हम व्रत और उपवास में खाए जाने वाले बिल्कुल ही नए तरह के फलाहार बनाने वाले हैं। व्रत के और उपवास की मैंने एक पूरी थाली बनाई है, तो बहुत ही आसान है। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं। एक कटोरी साबूदाने को मैंने अच्छी तरह से 4-5 घंटे के लिए धो करके भिगा दिया था, और ये देखिए कितने खिले खिले साबूदाना भिगे हुए हैं। भीगे हुए साबूदाना को बिल्कुल खिला खिला बनाने के लिए हमें ये करना है कि जितने साबूदाना हम लेते हैं, ठीक उसका आधा हमें पानी डाल करके इनको 4-5 घंटे के लिए भिगा देना है, तब ये साबूदाना बिल्कुल खिले खिले बनते हैं। और उसके बाद में मैंने 8-10 उबले हुए आलू को मैश कर लिया है, और आधा कप मैंने हरा धनिया डाल दिया है, और 2 मिर्ची को मैंने बिल्कुल बारीक काट करके डाल दिया है। आप चाहो तो इसके अंदर अदरक भी डाल सकते हो। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर आधा कटोरी है वो मूंगफली ली है, जो कि मैंने रोस्टेड है, पहले से रोस्ट करके रखी थी, और उसके बाद में उसको दरदरा पीस लिया है। और फिर उसके बाद में मैंने इसके अंदर डाल दिया है आधा कटोरी पनीर। पनीर को भी हमें मैश करके डालना है। उसके बाद में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिए, और काली मिर्च मैंने 1 टेबल स्पून डाल दी है। तो यहाँ पर मेरा जो बर्तन है वो थोड़ा छोटा पड़ गया था, क्योंकि मुझे मैश करना है तो अच्छे से मैश उसमें हो नहीं पाएगा, इसलिए मैंने इसके अंदर वापस से एक बड़ा भगोना लिया है और उसमें डाल दिया है। और उसके बाद में आधा नींबू मैंने इसके अंदर डाला है, और उसके बाद में इसको अच्छी तरह से इस तरह से मैश कर लेना है, ताकि जो भी सामान हमने इसके अंदर डाला है वो पूरी तरह से मिल जाए। तो ये देखिए इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से मैश करना है, और इसको हम रख देते हैं 10-15 मिनट के लिए साइड में। तो हमारी एक डिश है वो वेफल मेकर में बनने वाली है। तो वेफल मेकर को मैंने यहाँ पर लगा लिया है वेफल की ये सीट, और उसके बाद में 10 मिनट के लिए इसको प्री हीट होने के लिए रख दिया है। तो जब तक ये प्री हीट हो रहा है, तब तक हम इसकी चटनी तैयार कर लेते हैं। आधा कप मैंने यहाँ पर हरा धनिया लिया है, अदरक और मिर्ची डाल दी है, और भुना हुआ यहाँ पर मैंने जीरा और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ा सा दही डाल करके और थोड़ा सा पानी डाल करके हमें इसको अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ग्राइंड कर लिया है, चटनी हमारी तैयार हो गई है, और इसको एक बॉल में निकाल लेते हैं। तो व्रत की ये चटनी हमारी तैयार हो गई है। तो 10 मिनट के बाद में हमारा ये प्री हीटेड है वो भी पूरी तरह से हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पर ब्रश से हमें बटर लगा देना है, या फिर जो भी घी हम व्रत में खाते हैं वो लगा देना है। और साबूदाने का जो मिक्स हमने तैयार किया था उसको हमें इस तरह से वेफल मेकर में डाल देना है, और 10 मिनट के लिए इसको बेक होने देना है, या फिर जब भी बेक हो जाएगा तो ऑटोमेटिक इसकी लाइट है वो ऑफ हो जाएगी। और उसके बाद में हम दूसरी रेसिपी के लिए एक जो फिलिंग है वो तैयार कर लेते हैं। तो आधा कटोरी यहाँ पर मैंने गाढ़ा दही लिया है, और दही को मैंने 5-6 घंटे के लिए टांग दिया था, जिससे उसका पानी निकल गया था। और उसके बाद में उसमें हम डाल देंगे भुना हुआ और पिसा हुआ जीरा, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और काली मिर्च 1 टी स्पून डालना है। नमक हमें व्रत के अनुसार सेंधा डालना है। उसके बाद में इस फिलिंग को एक साइड में कर देंगे। तो ये रेसिपी बहुत ही कमाल की बनने वाली है, बहुत ही आसान है। तो उधर हमारा वेफल साबूदाना तैयार हो रहा है, और इसकी फिलिंग भी हमने तैयार कर ली है। तो हमने दूसरी रेसिपी अब शुरू कर दी है। साबूदाने का थोड़ा सा मिक्स हमें हाथ में लेना है, और उसके अंदर जो दही की फिलिंग हमने बनाई थी उसको थोड़ा सा डाल करके इस तरह से उसको पूरी तरह से गोल गोल करके लड्डू की तरह से बांध लेना है। ठीक इसी तरह से हमें जो सारे गोले बना लेने हैं, ठीक वैसे ही हथेलियों पर थोड़ी सी चिकनाहट लगाकर तेल घी कुछ भी लगाइए जो हम व्रत में खाते हैं, और उसके अंदर में दही की जो फिलिंग, गाढ़े दही की फिलिंग जो हमने बनाई है वो इस तरह से हमें डाल देनी है, और उसको फिल कर लेना है और इस तरह से लगा देना है। और तेल यहाँ पर मैंने जो व्रत में खाते हैं वो मैंने पहले से गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था, और उसके बाद में ये जो गोले हमने बनाए हैं वो एक एक करके इसके अंदर सावधानी पूर्वक डाल देंगे, और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई कर लेना है। अच्छे से उलटते पलटते रहिए, और मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, तेज फ्लेम नहीं रखनी है जिससे ताकि ये जले नहीं, और बिल्कुल लो भी नहीं रखनी है। अगर लो रखेंगे तो ये बिल्कुल ऑयली से हो जाएंगे और बिल्कुल फटने लग जाएंगे। तो ये देखिए हमारा वेफल साबूदाना है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। बस मैं थोड़ा सा इसको अलग कर लेती हूँ और 2 मिनट के लिए थोड़ा सा ठंडा होने देती हूँ। तो बस हमारी दोनों रेसिपी से वो तैयार हो चुकी है। एक प्लेट में मैंने वेफल साबूदाने लगा लिए हैं, और साथ में रख लिए हैं ये साबूदाने के पकौड़े, गोले जो हमने बना के रखे थे। साथ में मैंने साबूदाने की खीर बनाई है। अगर इसी रेसिपी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और उसके बाद में जो चटनी हमने बनाई थी वो भी रख दी है, साथ में ही मैंने थोड़ा सा गाढ़ा दही जो था वो भी मैंने यहाँ पर रख दिया है। तो व्रत की ये थाली हमारी तैयार हो चुकी है। तो एक ही मिक्स में हमने 2 तरह के फलाहार बनाए हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आई होप कि आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट रेसिपी के लिए आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। और नेक्स्ट फिर से हम एक यूनिक रेसिपी के साथ में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।